हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन फार्मूला बेस्ड ट्रेडर। तो बात कर लेते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। सॉरी, मैं आज मार्केट में ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना था। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, फिर कल हम लेवल्स के लिए के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ कि लेवल्स कैसे निकालते हैं मार्केट से, तो आपके लिए ईजी रहेगा। फिर हम थोड़ा सा एडवांस स्टडी में जाएंगे। तो जल्दी से बात करते हैं मार्केट व्यू फॉर ट्यूजडे। सबसे पहली बात तो है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ आज कि हम अपना निफ्टी वाली जो स्ट्रेटजी थी उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना कि हमें टारगेट मिला। होता है, 10 में से 2 बार ऐसा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। और मेरा व्यू इसके लिए निफ्टी के लिए थोड़ा सा रॉन्ग था, ना रॉन्ग निकला, रॉन्ग मैं नहीं, इसने डाटा को बीट किया। डाटा पूरा नेगेटिव था। मैं आपको बताऊंगा कि डाटा कैसे, कहां से एग्जैक्ट डाटा निकलता है जिसके हिसाब से मार्केट चलती है, उस मार्केट को, उस डाटा को बीट किया। बट कोई इशू नहीं, आप जो हुआ उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये स्टडी है, जिसने नहीं किया ट्रेड, जो जो लेवल्स का वेट कर रहा था, वेरी गुड। जो मैंने सुबह अपडेट भी कर दिया था कि लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो अगर करना है, ठीक है। तो कल के लिए बात कर लेते हैं। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है, बहुत अच्छी, और ऑल टाइम हाई पे अभी निफ्टी चल रहा है। तो अब क्या है, अब किस सिनेरियो बनता है, अगर इसके ऊपर में कल निकलता है, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर 19,731 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो हमें फर्स्ट टारगेट 760 के आसपास मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारा 800 के आसपास है, 19,800 के आसपास। बट यहाँ से अगर जो डाटा बता रहा है, डाटा के हिसाब से तो रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ। बट निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से फिर रिएक्ट भी कर सकती है मार्केट। बट डाटा के हिसाब से बड़ा न्यूट्रल सा डाटा है, जिसमें रेंज बाउंड रह सकती है मार्केट। तो बहुत अच्छा मूव दिया है, या तो मार्केट को और ऊपर जाना होगा, तो इसी के बीच ही, रेंज के बीच में टाइम स्पेंड कर सकती है मार्केट। तो आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको फाइव मिनट के टाइम बेसिस पे अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, यू कैन गो फॉर अ पुट। अगर आपको इसके ऊपर मार्केट निकलती है और 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड करके अगर आपको अपसाइड में, जो निफ्टी के हिसाब से हम स्ट्रेटजी इसके ऊपर मूव देती है, तो आप ऊपर जा सकते हो। और यहाँ पे हम ट्रैप्ड हुए थे, लिखा था मैंने, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो यहाँ पे हिट हुआ था। इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, हमने ट्रेड कैसे लेना निफ्टी में, ये फैक्ट है। आज हमारा यहाँ पे इसने ट्रैप किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। तो इसमें निफ्टी में स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड कैसे लेना, मैं आपको थोड़ा सा रिविजन देता हूँ। 5 मिनट की पहली कैंडल जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करेगी, चाहे वो 520 वाली करे, 25 वाली करे, या 30 वाली करे, जो भी कैंडल डाउन साइड को ब्रेक करेगी, तो हम इमीडिएटली ट्रेड लेंगे इसके नीचे, राइट। आज हम ट्रैप हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, एक्सेप्ट करता हूँ इसकी 50% के हिसाब से हमारा लॉस हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है। पर टारगेट भी इतने अच्छे मिलते हैं, जैसे अगर छोटा स्टॉप लॉस ले रहा, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा है निफ्टी के लिए व्यू। निफ्टी के लिए कल जिस हिसाब से मार्केट ने बिहेवियर बना रखा है अपसाइड का, बट एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, एक तो आप वीडियो पूरा देखा करो। अगर आप मेरे वीडियो को 7-8-9 मिनट नहीं दे सकते हो, तो मार्केट से आप कैसे पैसा निकालोगे, मेरे को बताओ। जब आप वीडियो के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते हो, तो आप मार्केट के लिए 6 घंटे में कैसे, फिर तो वेस्ट ही करोगे 6 घंटे। आप ध्यान से सुनना, मार्केट का क्या होता है, जब सबका मूड बना दिया कि अब ये 20,000 को टच करेगी, तब ये गिरेगी, तो कभी भी शार्प फॉल आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको लेवल से लेवल ट्रेड करना है। ऊपर जाती है, ऊपर के हिसाब से ट्रेड करेंगे, पर जब गिरेगी, तो अब जब आपको टॉप से ना पुट साइड के ट्रेड लेने हैं, तो उन कोशिश करना कि आप उनमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, अगर आप माने, आप, मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो टेंशन मत लो। ये अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओ ना यार, कि अगर आपने मान लिया कि 19,700 की पुट बाई करी है, और या कॉल बाई करी है, तो आपने खरीदी हो 200 रुपये में, थोड़ी देर बाद वो 220 हो जाती है, 240 हो जाती है, तो आप 220 का स्टॉप लॉस लगा लो, मतलब 220 पे निकल जाओगे, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो, शॉर्टकट में ऐसे रखो दिमाग में। बाकी इसका डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा मैं। अगर अपसाइड को जाती है, आप इस हिसाब से 30-35-40-40 पॉइंट का जैसे मूव लेते हैं हम इंडेक्स में, वैसे ले सकते हो। और डाटा न्यूट्रल है, डाटा कल डिसाइड करेंगे कि मार्केट डिसाइड करेगी इन बिटवीन कि किस साइड को इसको मूव देना है, ठीक है। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जिसने भी ट्रेड किया होगा लेवल्स के हिसाब से, उसकी बल्ले बल्ले हुई होगी। बैंक निफ्टी ने भरपूर पैसा दिया, हमारे लेवल्स के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा दिया होगा। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बहुत डाउनसाइड को ट्रेड, डाउनसाइड को 120 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन स्पेंड किया 1 बजे तक। अगर हमने इसके ऊपर सस्टेन करा, अगर हम 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो इसने ऊपर को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में इसने थ्रू आउट रैली दी,
हमारे थे देखो ग्रीन जोन, ये देखो ये हमारे लेवल्स है, लेवल तो हमारे मैजिक होते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया था, मैंने दिखा था कि ये बहुत बेरिश जोन है, अगर यहाँ से नीचे आएगी तो बेरिश जोन है, ऊपर हमारा अपसाइड का एरो, वो कल के चार्ट में भी दिया था। जिसने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा वो 110% प्रॉफिट में होगा हमारे लेवल्स के हिसाब से, बट हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। डाटा कैसा है कैसा नहीं है वो 100 में से 2 बार ही फेल हो सकता है, पर हमारे लेवल्स कभी फेल नहीं होंगे। ओके तो आप ट्रेड करोगे, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कोई टेंशन नहीं है। हम कल क्लास लाएंगे लेवल्स के ऊपर, कि मैं कल कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की कि हम लेवल्स कैसे निकालते हैं जो हमारे इतना अच्छा वर्क करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।